सबसे पहले तो एक थेबल का टैग होगा जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, उसके बाद हमारे पास टीआरएस होती हैं, टीआरएस के अंदर मल्टीपल टीडीज होते हैं, मतलब कि एक टीआरएस के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो उस टीडी के अंदर मुख्तलिफ डेटा रख सकते हैं, एक दो तीन, तीन कर रख दिया मैंने, एक और रो ली मैंने, इसका देखते हैं, देखें ये टेबल हमारे पास जनरेट हो गया है। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल है ये, इसमें देखूं मैं, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड, देखें ये पूरा एक टेबल है, उसके अंदर ये हमने जनरेट करवा लिया है। तो ये था बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर।